बात क्या है? साफ साफ बात बताओ हमें, कैसे सर पे तुम्हारे गाज गिर गई? ऐसी कौन सी घटना हो गई जो इतना परेशान है तू? कि दादाजी सामी घर में और पकड़े गए, मेरे पति को। तुम्हारे पति को? कौन ले गए? पकड़ ले गए। पकड़ ले गए? हाँ। अरे इतना पहला होते हुए भी मेरे मंगल को पकड़ ले गया? कौन ले गया पकड़ करके? कौन ले गया पकड़ करके? सेनापति पकड़ ली गया है। सेनापति समर सिंह। हराम चाहता ही, अगर मेरे मंगल को तो छुआना तो खून की दरिया बहा दूंगा, आपके हवाले कर दूंगा तुझे। भगवान के लिए एक काम कर बेटी, उन्हें बचा लो। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पैर। अभी तेरा दादा जिंदा है ना, और जब तक आप जिंदा है हम मंगल पर आज नहीं आई। एक काम कर तू, दादाजी जा अपने महल और अपने पिताश्री से कह करके मंगल की जान बचा ले, और मैं अपने पूरे गृह के साथ राजमहल को घेरता हूँ और देखता हूँ कौन मंगल सिंह को मारता है। जाओ बेटी जाओ। आज परीक्षा की घड़ी है जी। आज मंगल को कुछ होना नहीं चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं? हमने उसे नाजों से पाला है, अगर मंगल सिंह को कुछ हो गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे जिंदा रहूंगा मैं? इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम मंगल की जान को बचाएं। इसलिए उठाओ बंदूक है और चलते हैं, घेर लेते हैं चारों तरफ से राजमहल को, और राजमहल के अंदर कोहराम मचा देगा। अब मजा आएगा। हराम ज्यादा मेरे अरमानों में पानी फेर दिया है। सेनापति ने प्यार भी के लाया, तत्काल हराम ज्यादे को फांसी के फंदे पे चढ़ा देंगे हम। कहते हैं जिस वृक्ष में फल ना लगे उस वृक्ष को काट देना चाहिए, लोहा गरम हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। यही साला मंगल है। लाओ हराम जादे को, जरा हम भी तो उससे मिले। खींच कर लाओ मेरे पास। मंगल सिंह अपने आप को दादा समझता है। यस दादा। लेके आओ घसीटते हुए। अहो मंगल बेटे, किस हाल में हो? शेर लोहे के जाल में। लोहे के जाल में नहीं बल्कि मंत्री विक्रम सिंह के जाल में हो तुम। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन अभी तक नहीं। Oh!
राजकुमारी कहाँ है? एक बार इन हाथों से हथकड़ी खुल जाए फिर बता दूंगा राजकुमारी कहाँ है। मौत सर पे खड़ी है फिर भी हथकड़ी खुल जाए तो बता दूंगा। क्या बताएगा? बोल राजकुमारी को कहां छुपाया है? किसी कीमत में नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तो मारते मारते सारे नंगा काटा कुछ भी हो जाए क्यों ना मेरे जिस्म की बोटी बोटी काट कर फेंक दे, लेकिन मेरी जुबान से कभी यह शब्द नहीं निकलेगा कि राजकुमारी अरुणा है कहां। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। शमशान घाट के मुर्दों, हम तो मुर्दों से हाँ करा लेते हैं, तू तो जिंदा है, जिंदा। बता कौन हथकड़ी है? बोल क्यों मार खाता है? बता दे राजकुमारी कहाँ है? तुझे जो करना है कर सकता है, लेकिन मेरी जुबा पर यह शब्द कभी नहीं आएगा कि राजकुमारी अरुणा है कहाँ। आएगा और इसी वक्त आएगा, क्योंकि महाराज से मैंने वादा किया है कि राजकुमारी को ढूंढ कर लाएंगे। नहीं बोल अब तो बताएगा, नहीं बताएगा तो सारे टटुआ दबा देंगे तेरा। किसी कीमत पर नहीं बतलाऊंगा। किस मिट्टी का बिना है, किस मट्टी का बना हुआ है ये हराम ज़दा? इतना मार खाता है फिर भी नहीं बताता। बोल बोल, हम तुझे नहीं मारेंगे। हम महाराज से कह के तुझे रिहा करवा देंगे। ये कभी नहीं हो सकता। अगर मुझे रिहा होना होगा तो ऐसी कोई जेल की दीवार नहीं है जो मंगल को 24 घंटे अंदर रख सके। वादा रहा, 36 घंटे के अंदर अंदर मंगल तेरी जेल से। मंगल तब हमारी जेल से नहीं जा सकते। एक हमसे वादा करो तो हम जरूर तुम्हें रिहा कर सकते हैं। कैसा वादा? हम तुम्हें रिहा कर दें, लेकिन तुम महाराज का खून कर दो। तो अपनी बिरादरी वाला निकला। और फिर इस राज्य में आधा तुम्हारा आधा हमारा। बहुत बहुत खजाना है महाराज के पास, लेकिन सेनापति की वजह से मेरे हाथ नहीं आता। सौदा घाटे का तो नहीं है, है तो फायदे का ही। ठीक है, मंजूर है मुझे, वादा रहा, मैं महाराज का खून कर दूंगा। और राजकुमारी हमारे हवाले है। ये कैसे हो सकता? क्यों, धन तुम्हें उसके बदले मिलेगा, खून के बदले? खून के बदले धन तो मिलेगा, लेकिन राजकुमारी यहां समा गई है, यहां से कौन निकालेगा उसे? तो फिर बेटे राजकुमारी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन राज में कुछ नहीं मिलेगा। मंजूर है? मंजूर है मुझे, सिर्फ राजकुमारी के बदले में महाराज का खून कर दूंगा। इस रियासत से मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये बात है तो ठीक है, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पड़ेगी, लेकिन हम तुम्हें मौका देंगे भागने का। और भाग जाना, भाग कर महाराज का काम तमाम कर देना। वादा रहा हमारा, वादा रहा। महाराज को अगर उन्हीं के खून से ना नहला दिया तो मेरा नाम मंगल सिंह नहीं, लेकिन उसके पहले
महाराज तो बुढ़े हो चुके, तुम्हारा दुश्मन सेनापत है, सेनापत का तो खून कौन करेगा? इसका मतलब एक के साथ एक फ्री है। दो है हमारे रास्ते के, रास्ते में आने वाले हर उस पत्थर को अगर ठोकर मार कर रहे उस मंगल सिंह ने ना हटा दिया तो हमारा भी नाम नहीं, वादा है, वादा रहा। तो ये हम और तुम, दूसरा आदमी ना जाने तीसरा, ऐसा ही होगा। डालो हथकड़ी और आज से मंगल पर कोई जुल्म नहीं होगा, हम तुम्हें भागने का मौका देंगे, ले जाओ। सारे काम इसी से करवाएंगे और फिर टापू की क्या औकात, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, इधर उधर करेगा तो हाथ दादों को ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि यहां का महाराज ये मंत्री विक्रम सिंह बनेगा और विक्रम के रहते हुए इस राजधानी का मालिक दूसरा नहीं बन सकता, बनेगा तो हराम ज्यादा बेमौत मारा जाएगा। कितने दिन हो गए इंतजार करते करते, मेरा बेटा नहीं आएगा ना, नहीं मिलेगा, केवल माँ तुमने मुझे झूठा आश्वासन दे करके आज तक केवल राह देख रही हूं कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा तो कहाँ है, क्यों नहीं मेरे बेटे को मेरे पास भेज रही हो माँ? आखिर तुम्ही ने तो कहा है ना कि तुम्हारा बेटा जिंदा है और जिंदा रहे, कहाँ है मेरा बेटा, मिला दो मेरे बेटा।
नहीं रह सकती, नहीं रह सकती माँ, मेरे बेटे को हम तक पहुंचा दो मेरे बेटे को। क्या है मेरा बेटा, क्या है मेरा बेटा। क्या बच्चा है मेरे पास, अब क्या लेने आए हो तुम, वही करण सिंह होना। क्या लेने आए हो, क्या बच्चा मेरे पास, क्या मेरी जान लेना चाहते हो, ले लो मेरी जान। जान लेकर मैं क्या करूं, जान लेने नहीं बल्कि आज तुम्हारे अंदर हम जान पैदा करने आए। किसकी जान, हमें मालूम कि तुम अपने बेटे के गम में बरसों से दिन रात तड़प रही हो और उस बेटे का गुनहगार मैं हूं। लेकिन अगर तुम चाहो, अगर आज तुम चाहो तो वो तुम्हें, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल सकता है, मिल सकता है तुम्हारा बेटा, मेरा बेटा हाँ मिल सकता है। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा। तुम्हारे बेटे की जिंदगी इस समय मौत के मुंह में खड़ी है। अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को बचा सकती हो, तुम्हारे बेटे को पकड़ करके तुम्हारे पति राज दरबार ले गई। और अगर तुमने जरा भी देर कर दिया तो तुम्हारे बेटे की जान चली जाएगी और फिर तुम कभी जिंदगी में अपने बेटे से मिल नहीं पाओगी। इसलिए मेरा कहना मानो करण सिंह, आज सारी जिंदगी केवल झूठ ही बोले, सारी जिंदगी केवल झूठ ही बोलोगे, अब कैसा मौका आया है। अरे वाह, दूसरे की बच्चे की जान लेने में कितना अच्छा लगा और आज, आज तुम्हारे बेटे की जान, आज तुम्हारे बेटे की जान जाने वाली है। आए हो मेरे पास और झूठा आश्वासन मुझे देते हो और कहते हो कि मेरा बेटा, अरे करण तुम्हारा बेटा, आज तुम्हारे बेटे की फांसी होने जा रही है हमारे भारे दरबार, और आए हो हमसे कहने कि मेरा बेटा है। नहीं माधवी नहीं, ठीक है हो जाने दो तुम्हारे बेटे की फांसी। आज जब तुम्हारा बेटा नहीं रहेगा तब तुम्हें मालूम होगा कि हमने किसी की खुशियां उजाड़ी है तो आज मेरी जिंदगी में कितना सुख मिलेगा। माधवी हमारी कोई सगी औलाद नहीं, हमने तुम्हारे बेटे को तुमसे छीना जरूर है लेकिन हमने तुम्हारे बेटे को जान से मारा नहीं बल्कि अपने सीने से लगाकर उसका पालन और पोषण किया। और आज ये तुम्हारा बेटा तुम्हारी बराबर का है, तुम्हारे बेटे को मैंने जान से नहीं मारा बल्कि अपने बेटे की तरह हमने उसे पाला, तालीम दी। अगर तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया तो सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। और ये देखो मैंने माना, चलो ठीक है मैंने माना कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बेटा है लेकिन अगर चढ़े भारत दरबार गई तो हमारे पास सबूत क्या है, मैं कैसे बताऊंगी कि ये मेरा बेटा है। सबूत, सबूत की बात करती हूं। अरे ये देखो ये तुम्हारे बेटे के पटपट के कपड़े हैं जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा है, इसको हमने कभी फेंका नहीं
बल्कि अपनी जान से ज्यादा इन कपड़ों को संभाल कर मैंने रखा है और यही कपड़े तुम्हारे लिए सबूत बनेंगे। अरे ये वही कपड़ा है ना, ये वही कपड़ा तुम्हारे बचपन के बेटे के हैं जो मंदिर में लेके गए। अरे पहचानो इससे, देखो ये वही कपड़ा है या नहीं। कपड़ा तो मिल गया, मेरा बेटा नहीं मिला। तुम्हारा बेटा है और ये सब मेरी वजह से हुआ माधवी। मैं वैसे तो माफ करने लायक नहीं हूं, जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तुम्हारे बेटे को तुमसे जुदा कर दिया, मैं पाप का भागीदार बन गया। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बेटा बच सकता है, और अगर जब कोई भी सबूत के मान नहीं होगा ना, तो ये डाकू करण सिंह खुद भरे राज दरबार में आएगा और तुम्हारे बेटे को बचाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, गर्चे बात है तो मैं जाऊंगी, भरे दरबार जाऊंगी और अपनी बात में कहूंगी। और बन मददगार चलिए, और मेरे साथ में मददगार चलिए, मेरे साथ में दिया है ना कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा सर कट जाए या मेरा तन धद्दी धद्दी उड़ जाए, लेकिन तुम्हारे बेटे को बचाने की जिम्मेदारी है। बड़े बंगाल, तुझको कोई छू नहीं सकता, मैंने तुझे पाला है ना, अब बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आ रहा हूं राजमहल की तरफ और देखता हूं कि तुझे मारता कौन है। तुझ पे पूरी नजर पड़ेगी ना, उस शरम चौथे को जिंदा जमीन में दफन कर। अभी तक सेनापति गया है डाकू मंगल को पकड़ने के लिए। हाँ महाराज, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। मंगल सिंह अपनी जेल में है और सेना पताते हो। ठीक है, सम्राज ये रहा आपका दुश्मन जिसने आपकी बेटी का अपहरण किया, इसी का नाम डाकू मंगल सिंह है। बात कीजिए इससे। वाह,
डाकू मंगल सिंह, वाह तूने ही हमारी बेटी का अपहरण करके अपने कब्जे में किया था। बोल मंत्री विक्रम सिंह, इसे इतनी कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए ताकि इसे याद हो जाए कि हमने कोई गुनाह किया है। मंगल सिंह, राजकुमारी का पता बता दो, बात वही है वरना महाराज का हुक्म है, हमारा हाथ तुम पर फिर उठ जाएगा। राजकुमारी का पता यानी घूम घुमाकर बात फिर वही अटक गई, और ये हो नहीं सकता कि मैं राजकुमारी का पता तुम्हें बताऊं। मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, फांसी तैयार है, सिर्फ महाराज का हुक्म है। पिताजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इनकी फांसी मत करो। पिताजी मैं आपके बदल गई, दो चार दिन रही तो इसके साथ क्या खिला दिया है जो भूल गए। ऐसे कैसे मान लू इसकी वजह से इसके बहकाने में तुम आकर। नहीं पिताजी, मैं इसे चाहती हूँ और अपने पति चुन लिया है। हाँ पिताजी। महाराज एक डाकू आपका दामाद बनेगा। पिताजी इसकी जिंदगी क्या है, एक चलती फिरती लाश, कब पुलिस की गोली पड़े कब इसका दम निकल जाए, जिंदगी भर। नहीं विधवा बनकर कैसे उम्र गुजारोगी तुम, जिसके साथ इतना बड़ा फैसला कर लिया है। पिताजी आप फांसी देना है तो मेरी फांसी दे दीजिए, बल्कि इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ पिताजी। नहीं नहीं पिताजी, मंत्री विक्रम सिंह क्या देखते हो, चढ़ा तो काट दे। बोल जाए इसे,